शायद ही दुनिया का कोई व्यक्ति हो जिसने चंद्रयान की बात न की हो, बधाई न दी हो, और जो बधाइयां मुझे वहां मिली है वो आते ही मैंने सब वैज्ञानिकों के सामने उनको सुप्रत कर दी है और आप सबको भी सुप्रत कर रहा हूं कि पूरे विश्व ने बधाइयां भेजी है। साथियों, हर कोई ये जानने का प्रयास करता था चंद्रयान की यात्रा के संबंध में, ये कालजयी उपलब्धि के संबंध में, और नया भारत, नए सपने, नए संकल्प और नई सिद्धि एक के बाद एक दुनिया के अंदर एक नया प्रभाव, अपना भारत के तिरंगे का सामर्थ्य, अपने सफलताओं के आधार पर, अचीवमेंट्स के आधार पर आज दुनिया अनुभव भी कर रही है, स्वीकार भी कर रही है और सम्मान भी दे रही है। साथियों, ब्रिक्स समिट के बाद मेरा ग्रीस जाना हुआ। 40 साल बीत गए, भारत के किसी प्रधानमंत्री ने ग्रीस की यात्रा नहीं की थी। मेरा सौभाग्य है कि बहुत सारे काम जो छूट जाते हैं मुझे ही करने होते हैं। ग्रीस में भी जिस प्रकार से भारत का मान सम्मान, भारत का सामर्थ्य, और ग्रीस को लगता है कि भारत और ग्रीस की दोस्ती, ग्रीस एक प्रकार से यूरोप का प्रवेश द्वार बनेगा, और भारत और ग्रीस की दोस्ती भारत और यूरोपियन यूनियन के रिश्तों को मजबूती देने का एक बहुत बड़ा माध्यम बनेगा।